अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मेरे क्लाइंट के साथ नाइंसाफी हुई है। उसे एक बच्ची का आसरा देकर उससे चाय पराठे खाए गए, ये कहां की नाइंसाफी है? नहीं 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 जज साहब, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सवाल पूछना चाहिए मेरे क्लाइंट से कि उनका कसूर क्या था, क्या वजह थी आप अपने जज साहब बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जज साहब मेरा क्लाइंट है सर, क्लाइंट है जज साहब, लेकिन वजह मालूम कीजिए सर। चुप बौसड़ी वाला, पहले इन दोनों को बोलने दो। जज साहब ये सामने जो बहन का लोड़ा खड़ा है ना, मुझे चाय पराठे का आसरा दिया, बोला तुम मुझे चाय पराठे खिलाओ मैं तुम्हें बच्ची दूंगा। दो पराठे खाए जज साहब मेरे, दो पराठे, और मुझे बच्ची का नंबर नहीं दिया। हाँ भाई गांडू, क्या गांड मरवाई की है तुमने? गांडू नहीं बोले जज साहब, हाँ मैं मानता हूँ मैंने इसका पराठा खाया था, लेकिन इसी शक्ल देख बैंचो, कोई पानी का गिलास ना मैं झड़की सादा बैंचो। अबे कितने पराठे खाए तुमने मेरे? तो अच्छा आपने देखा मेरे क्लाइंट पे कातिलाना हमला किया इसने। भाई मैं बॉसी के उसकी हालत देख, शक्ल देख, मेरे क्लाइंट की नाक चोट दी, देख हालत तो देख इसके, मेरे क्लाइंट की हालत देखो, देखे मेरे क्लाइंट की शक्ल, मार मार के इसको लाल कर दिया इसने। जज साहब आप देखें, ये इल्जाम डाला जा रहा है कि उसको मारा गया, ये देखें कुत्ते जैसी हालत उसकी हो गई, ये देखें उसकी दाढ़ी बाल। अबे लोडू, तुमको इस सबूत पेश करना चाहते हो, अपनी सफाई पेश करो। जज साहब 29 फरवरी की शाम थी, जज साहब मुझे इस बात का दुख है कि मेरे साथ साजिश की गई, वो पराठे खाने वाला बहन का लोड़ा अकेला नहीं था, जज साहब दो दोस्त उसने और अपने साथ बिठाए थे, जिसमें से एक सदार से मौजूद है। जज साहब मैं चाहता हूँ कि उसको पेश किया जाए और मेरे हाथ से मुझे इंसाफ दिया जाए। 29 फरवरी का इंसाफ चाहिए मुझे जज साहब, मुझे मेरे चाय पराठों का इंसाफ चाहिए। अबे गांडू, क्या देखा था तुमने उस रात को? ये बंदा हर किसी से बच्ची का नंबर मांगता है, और हाल ही की बात है एक अकबर नाम का लड़का जिसका मेरे पास प्रूफ है, उससे इसने नंबर मांग मांग के बच्चों को ऐसा उसका हाल कर दिया, उसने बेचारे ने नदी से खुदकशी कर ली सर। सबूत पेश किया जाए, गलोड़ा दिखाएगा, सबूत होगा तो दिखाएगा ना। तू चुप कर पोसनी वाले, तुझे बोला क्या? वो दिखा रहा है जी जज साहब, मेरे पास सबूत है, ये देखिए। इस सबूत पे तू क्या कहेगा? चचा ये सबूत झूठे हैं। चुप दल्ले, मैं उससे पूछ रहा हूँ। हाँ तू बोल, क्या हुआ था? जज साहब ये वीडियो झूठी है, ये कैरेक्टर झूठा है, ये मैं नहीं हूँ जज साहब। बाकी बात है अकबर की, सड़े का कुत्ते की मौत मरेगा, साले ने बड़ा तड़पा है खाके, धोखा दिया था उसने, जज साहब उसने 3 पराठे खाए थे, अगर वो जिंदा होता तो मैं आज उस पर केस करता। सर मेरे क्लाइंट को अटैक आ रहा है। अबे भोसड़ी के, जब तू उस वीडियो में था नहीं तो तू अकबर से चिढ़ क्यों रहा है? जज साहब मुझे हर शख्स से नफरत है जो बच्ची का आसरा देके पराठे तो खा लेते, लेकिन हम जिससे गरीबों को बच्चियां नहीं देते उनका नंबर भी नहीं देते, नंबर का आसरा देके पराठे खाते चाय खाते और तो जज साहब भाग जाते, हम गरीबों को इंसाफ दे रहे जज साहब। ये अदालत आज इसीलिए खड़ी की गई है कि हम गरीबों को इंसाफ दे। रख दे नारक तेरे मुंह पे, झूठ बोल रहा है जज साहब। ये भोसड़ी के वकील मैं हूँ, तुम्हें मुझे तो बोलने दे, क्यों लाया यहाँ पे? जज साहब तो जो मैंने आपको सबूत दिखाया उस सबूतों के मुताबिक, अबे चुप, बारे के वकील, वो ये वही शख्स है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हो, ये वही है पराठे खिलाने वाला, क्योंकि बच्ची के चक्कर में ये ख्वाब था सर, और इसने मेरे क्लाइंट, इसकी वजह से मेरे क्लाइंट मरे हैं, उन्होंने खुदकुशी करी है, मुझे इंसाफ चाहिए और उनको मैं रिहा करवाना चाहता हूँ सर। ऑर्डर ऑर्डर।
अदालत तमाम ठरकियों का ठरकपन सुनते हुए इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम सनाउल्ला ने 29 फरवरी को एक घिनौना जुर्म किया, जावेद को बच्ची का नंबर नहीं दिया, तरसा हुआ आशिक जो रंग लगा हुआ माल भी नहीं छोड़ता। तो इस नतीजे पे हम पहुंचे हैं कि अदालत 4 साल के बाद मुलजिम सनाउल्ला और जावेद ठक्की को 4 पराठे और 1 चाय आधिया पिलाएगी। और हम इस बात से भी इनकार नहीं करते कि वो एक संगीन ठगी इंसान है, लेकिन इस अदालत की कार्रवाई यहीं पर ही ख़त्म की जाती है। मुबारक हो सर, आपके जीते लोड़ा पे जीते है। तो 4 साल के बाद वो 4 बार खाएगा उसे। मैं सुप्रीम कोर्ट का प्रांत करूँगा। बच्चा, आपने मेरे अपने देश में सुनाया है तो आप मोबाइल निकालिए ना, आपको नंबर देता हूँ। अच्छी कहता है मुंह काला है झूठ का, अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का।